यूज पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इसके बारे में मैं ये वीडियो में बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 90% है और कॉन्शियस माइंड जो है वो 10%। मैं भी जो बोल रहा हूँ वो कॉन्शियस माइंड से बोल रहा हूँ। और कॉन्शियस माइंड के पास में इंटेलेक्ट है, उसके पास में इच्छा है, होप्स है, जो भी उसके पास में है वो करना चाहता है, मगर हमारा पूरा बिहेवियर का कंट्रोल जो है वो सबकॉन्शियस माइंड से, पूरा बिहेवियर वहीं से कंट्रोल हो रहा है। और सबकॉन्शियस माइंड में एक बार जाके फिट हो गई बात कोई भी, तो वहीं से वो ऑपरेट करता है और वही हमको बर्ताव में दिखेगा। तू बुद्धू है, तुझे इतना अच्छा आता नहीं, तू इतना स्मार्ट नहीं है, तू हरदम फेल होते रहता है, तू कभी जिंदगी में अच्छा काम कर ही सकेगा नहीं, तेरा नसीब खराब है, इस तरह की जो बातें हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में बचपन में जाके यदि फिट हो गई तो वहां से उसका बर्ताव आगे दिखते रहता है। एकादे लड़की को ये बोला कि तू भाग नहीं सकती या तू दौड़ में भाग नहीं ले पाएगी, तू लड़की है, तो उसके दिमाग में बैठ जाता है कि मैं लड़की हूँ और मैं आगे भाग नहीं सकूंगी, और वो कभी भागती ही नहीं है और कहीं कॉम्पिटिशन में जाती भी नहीं। मैं हरदम हाथी का एग्जाम्पल देता हूँ। इतना टनों वजन का हाथी एक छोटे से जंजीर से बांधा हुआ रहता है, उसके दिमाग में ये नहीं आता है कि एक उसने झटका मार दिया तो संखली जो है ना जंजीर निकल जाएंगी और वो फ्री हो जाएगा, मगर वो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो हाथी का बच्चा था, छोटा बच्चा था, तो उसको बहुत बड़े संगली से बहुत बड़ी जंजीर थी, बहुत मोटी जंजीर थी, और उसके उसको बहुत बड़े खंभे को बांध दिया था। उसने काफी कोशिश किया, पैर को झटके मारे, बहुत खून निकला, जख्म हो गई, काफी खून निकला, और उसको धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर यह बैठ गया कि मैं यहाँ से छूटने वाला हूँ नहीं, कितनी भी ताकत मैंने लगाई तो मेरी यहाँ से छुटका होने वाली है नहीं, मैं छूटूंगा नहीं यहाँ से। वो दिमाग में उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और वहाँ से फिर वो बड़ा जब होता है, बड़ा होने के बाद में इतनी ताकत रहती है, जंजीर छोटी होती रहती है, हाथी बड़ा रहता है, बड़ा हो जाता है, मगर वो उसके दिमाग में भी आता नहीं कि मैं यहाँ से छूट पाऊँगा, क्योंकि अभी उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसमें वो पक्का बैठा है कि मेरी यहाँ से छुटका होने वाली है नहीं। हमारा ना यही तो हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड से हम पूरे कंट्रोल हो रहे हैं। मैं धंधे में अच्छा करूँगा नहीं, धंधा मेरे से जमेगा नहीं, मैं नौकरी ही कर पाऊँगा, मेरे से बहुत बड़ा शारीरिक काम जो है वो होता नहीं है, मैं जल्दी थक जाता हूँ, मेरा नसीब अच्छा नहीं है, लोग मुझे कोऑपरेट करते नहीं है, दिमाग में पूरा पक्का बैठा रहता है। अब उसको निकालने का है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोई भी चीज़ जो है जो आपको चाहिए वो आपको 21 दिन तक रोज अपने आप को बोलनी पड़ेगी। कोई भी बात, मुझे ऐसा आप बोल सकते हैं कि मुझे बहुत एनर्जेटिक लग रहा है। यदि आपको जल्दी थकान आ रही है तो आपने बोलना है कि मुझे आज बहुत एनर्जेटिक लग रहा है, मैं अच्छा गा सकता हूँ, मैं हरदम पॉजिटिव थिंकिंग करता हूँ, वजन के प्रति मैं बहुत सकारात्मक हूँ और मेरा वजन बहुत ही कम हो चुका है और मैं बहुत हल्का हल्का महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत ही अच्छा दिखता हूँ, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, मैं अच्छा धंधा कर सकता हूँ। जो भी आपको बात करनी है वो अफर्मेशन में बात करनी है, बार 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 रिपीट करनी है, और 21 दिन तक आप जब रिपीट करेंगे और जब बार 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 रिपीट करेंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड तक जाएंगी और वहाँ से आपके बर्ताव में फ़र्क दिखेगा। तो आपको जो भी अपने में बर्ताव में, अपने बिहेवियर में बदल लाने का है तो आपको करना क्या होगा? आपको करना होगा कि सुबह, दोपहर, शाम को, रात को 4 बार अपने आप को सजेशन देना, अपने आप को स्वयं सूचना देना, और जो भी स्वयं सूचना आपको आप दे रहे उसके साथ साथ उसका विजुअलाइजेशन भी करना, अपने आँखों के सामने वो चित्र लाना कि मैं वैसा बन चुका हूँ। यदि आपको मर्सिडीज कार चाहिए तो मर्सिडीज कार में मैं अभी घूम रहा हूँ, यदि मुझे बंगला चाहिए तो मैं बहुत बड़े बंगले में, पैलेस में रह रहा हूँ, मतलब प्रेजेंट टेंस में बोलने का है। और वो सबकॉन्शियस माइंड को अफर्मेशंस बार 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 देने के हैं। आप जैसे अफर्मेशन देते जाओगे, 21 दिन तक देते जाओगे, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनेगा और वहाँ से आपको फोर्सफुली फिर एक्शन करने के लिए मजबूर किया जाएगा। मुझे सबकॉन्शियस माइंड है वो फोर्सफुली आपको एक्शन, आपसे एक्शन करवा के लेगा, तो फिर उससे आपको कुछ भी संभव है, एनीथिंग विल बी पॉसिबल फॉर यू। तो आपको ये बहुत मदद करेगा एंग्जाइटी निकालने में, डिप्रेशन निकालने में, नर्वसनेस, निगेटिव थिंकिंग निकालने में। ये जो पॉजिटिव अफर्मेशन की जो तकनीक मैंने बताई वो आपको बहुत काम में आ सकती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो आप पहुँचा देंगे और आप हमारे पार्टनर बनेंगे हमारे मिशन में, और वो मिशन है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।